आप देख रहे हैं एम टीवी न्यूज, उद्देश्य सच दिखाने का। कानपुर सनातन हिंदू वाहिनी के द्वारा जो खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं, दीपावली में लोगों ने घर से देवालयों के पास व रोड के किनारे या पेड़ों के समीप रख दिए हैं। इस मूर्तियों का देखा जाए तो अनजान में ही देवताओं का अपमान हो रहा है। लोगों जानवरों के पैरों के नीचे आ रही, खंडित हो रही। इन मूर्तियों का विसर्जन करने का प्लान बनाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ अवधूत जी के आदेश के व संजय नाथ ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निर्देशानुसार कानपुर जिला अध्यक्ष सौरभ यादव जी के नेतृत्व में कानपुर की सभी टीम संगठित होकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विचार किया गया कि इन मूर्तियों को भूमि विसर्जन व जल विसर्जन करके किया जाए ताकि हमारे देवी देवताओं का अपमान ना हो सके और इसके शुभ कार्य करने से हमें फल प्राप्त होगा, हमारे संगठन को, हमारे हिंदुओं को, हमारे आस्था पर ठेस न पहुँचे। ऐसे सनातन हिंदू वाहिनी के द्वारा सभी लोग और क्षेत्रीय लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग मिला और सहयोग में सब लोगों ने एकत्रित होकर के इस मूर्तियों को संगठित की गई और इनको जल प्रवाहित व भूमि विसर्जन का योजना बना करके इस काम को पूरे शहर में करेंगे। सुंदर सुंदर विग्रह है, यहाँ लोग इस तरह से पड़े हुए हैं तो कम से कम इन लोगों को सुरक्षित करें। शुक्ला जी हमें रखते हैं, है ना, और इनको किसी प्रकार से पैरों के नीचे ना आए प्रयास करते हैं और सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, हम लोग लोग ऐसे फेंक जाते हैं, हावड़ा ले, हावड़ा ले आए देखो, हनुमान जी का विग्रह है, कितना सुंदर ये खंडित भी नहीं है। हाँ देखिए, अगर पूजा नहीं कर सकते हैं तो उपाय भी ना करेंगे। कितना सुंदर विग्रह है, यह बाल हनुमान जी का मंदिर है। संस्थापक विनोद शुक्ला तो आप लोगों से अनुरोध है